हेलो फ्रेंड, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पिंकी को किचन में। आज हम बनाने वाले हैं आलू से बहुत ही टेस्टी और मजेदार सा नाश्ता, जो कि 15 मिनट में आप बच्चों के टिफिन या किसी भी समय बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए इस नाश्ते को बनाना शुरू कर लेते हैं। नाश्ते को बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट भी जरूर करें, और साथ में चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो साथ में बेल आइकन होती है उसे जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए इस नाश्ते को बनाना शुरू कर लेते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने गैस पर पैन को चढ़ा दिया है। पैन को गर्म होने पर हम इसमें 1 से 2 चम्मच तेल के डालेंगे। आप कोई सा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप खाते हैं। तेल गर्म होने पर इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा लाल होने पर हम ये कड़ी पत्ता डालेंगे। साथ में आप हींग खाते हैं तो हींग भी डाल सकते हैं, उसका भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अभी इन सभी चीजों को एक बार हम मिक्स कर लेते हैं। अब सब चीजों के पकने के बाद हम ये हरी मिर्ची और अदरक वाला पेस्ट डालेंगे और इसको भी जीरे के साथ मिक्स करेंगे। अभी सभी चीजों को मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे, ये उबले हुए आलू है हमने जो ग्रेट करके लिए है। आप चाहो तो मैश कर सकते हो, अच्छे से मैश करने हैं ये। अभी ये डाल देते हैं और इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, ये 1/2 चम्मच हम नमक डाल देते हैं, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच दरदरा कुटा हुआ धनिया। अब सब चीजों को मिक्स कर लेते हैं। अब सब चीजों को मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। इसको हम हाथ पर ऐसे क्रश करके डालेंगे, इसका भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और सबसे लास्ट में इसको मिलाने के बाद गैस बंद कर देंगे और ये थोड़ा सा नींबू का रस इसके ऊपर से निचोड़ देंगे। आप चाहो तो इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इसको हम रख देते हैं एक साइड में। तो मैंने एक साइड आलू की फिलिंग को ठंडा होने के लिए रख दिया है और इधर यहाँ गैस पर मैंने वापस से उसी पैन को रख लिया। अब इस पैन में हम डालेंगे 1 गिलास पानी का और साथ में मैं यहाँ पर डालूंगी 1/2 चम्मच नमक, थोड़ी सी अजवाइन। अब सब चीजों को उबाल आने तक वेट करेंगे। उबाल आने पर हम इसमें डालेंगे सूजी, ये हमने बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसको मिक्सी के जार में डालकर पीस सकते हैं, उसको बारीक बना सकते हैं। अभी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही सूजी को इसके अंदर डालना है और साथ में हमें चलाते रहना है ताकि इसके अंदर गुठलियां ना बने। तो इस तरह से जैसे मैं डाल रही हूँ इसी तरह से आपको थोड़ी थोड़ी सूजी इसके अंदर डालनी है और इसको चलाते रहना है। तो ये मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी का इसके अंदर डाल दिया है और साथ में मैंने हाथ को रोका नहीं है और चलाते ही इसे मिला लिया है। तो ये देखिए इस तरह से हमें सूजी को मिलाना है और इसमें जो भी गुठलियां बने, अगर आपसे गुठलियां बन जाती है तो आप मैसर की सहायता से इन गुठलियों को फोड़ सकते हैं। और हमें इसका डो बनाना है, ऐसे स्लो गैस पर इसको चलाते रहना है, अच्छे से पकाना है। अभी सबसे लास्ट में हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच तेल, आप घी भी डाल सकते हैं, और घी डालकर ऐसे इकट्ठा कर लेंगे। तो अभी हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो मैंने एक तरफ आलू की फिलिंग को और सूजी वाले बैटर को ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो अभी मैंने गैस पर यहाँ कढ़ाई को चढ़ा दिया है, इसमें हम डालेंगे तेल या कोई भी आप जो खाना पसंद करते हैं, और गैस का फ्लेम हम रखेंगे लो। लो फ्लेम पर हम इस तेल को गर्म करेंगे और आइए तब तक देख लेते हैं हम
अपने फिलिंग को, और उसकी हम बना लेते हैं कचौड़ियाँ। तो इधर यहाँ पर हमारी ये जो सूजी वाला बैटर है छूने के लायक हो गया है, आप हाथ लगाकर देख सकते हैं। इधर ये भी ठंडी हो चुकी है, आलू वाली फिलिंग भी। अभी हम हाथ पर तेल लगाएंगे, हाथ पर तेल लगाएंगे, ऐसे हाथों को चिकना करेंगे। और पहले आलू वाला जैसे ये लड्डू बना रखा है, छोटा सा एक बोल बनाएंगे इस तरह से। और सभी पहले हम आलू वाले बोल बनाकर तैयार करेंगे, और फिर ये एक बोल इसका निकालेंगे। ऐसे हल्का सा फ्लैट करेंगे और एक बोल को इसके अंदर रखेंगे। इस तरह से हम कवर कर देंगे। ये हम सूजी की कचौड़ी बनाने वाले हैं, तो इसको हम अच्छे से कवर कर लेंगे और ऐसे गोल गोल घुमा देंगे। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमारी ये गोल गोल सूजी की कचौड़ियां बन चुकी है। अभी इसको हम थोड़ा सा हल्का सा नीचे प्रेस करेंगे। तो ये देखिए, इसी तरह से हमें सारी कचौड़ियां बना लेनी है। ले लीजिए, हमने कचौड़ी को बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हो कितने आसानी से हमने इन कचौड़ी को बनाया। अभी गैस की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमने तेल को पहले ही चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। तो इधर हमारा ये तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अभी हम चेक कर लेते हैं। इस तरह से हम थोड़ा सा कोई बैटर लेंगे और उसको इसके अंदर छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं ये ऊपर आ चुका है, तो ये अच्छे से गर्म हो चुका है। इसी तरह का हमें तेल को गर्म करना है। अब इसमें हम धीरे धीरे इन कचौड़ी को छोड़ देंगे। तो एक बार में हम चार कचौड़ी को ही फ्राई करेंगे। तो हम गैस का फ्लेम हम बिल्कुल स्लो रखेंगे, स्लो फ्लेम पर हम इनको क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। आप इनको कम तेल में भी बना सकते हो। तो मैंने पलटते उलटते सेकना है अच्छे से। तो ये देखिए, हमारी कचौड़ियाँ फ्राई हो चुकी है। हमने बाद में गैस का फ्लेम हाई कर दिया था, हाई फ्लेम पर ये बहुत ही क्रिस्पी और करारी कचौड़ियाँ बनती हैं। इनमें बनाने में बिल्कुल भी, देखा होगा आपने, झंझट नहीं है। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। और अभी हम इन कचौड़ियों को निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इनका कलर आया है। तो इसी तरह से हम बाकी की कचौड़ियों को भी फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमने कचौड़ी बनाकर तैयार कर ली है। इसे हमने हरी चटनी और लाल चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहे जिस भी चीज के साथ खाना पसंद कर सकते हैं। तो आपको ये कैसी लगी रेसिपी, आप इसको जरूर एक बार मुझे कमेंट में शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो रेसिपी इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा, और साथ में लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद एंड टेक केयर।